दोस्तों, आप किसी भी राजनैतिक विचारधारा से प्रभावित हो सकते हो, किसी को भी सपोर्ट कर सकते हो, और ये भी हो सकता है कि दूसरी राजनैतिक विचारधारा से आपकी विचारधारा जरा भी मेल नहीं खाती। लेकिन ये सब इस बात का आधार या कारण नहीं हो सकते कि आप किसी को जान से मारने की धमकी दे डालो या कुछ ऐसा मन में भी ले आओ। ये पूरी तरह से गलत है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी को धमकी भरा पोस्ट किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। युवाओं को समझना होगा कि इस तरह से वो अपना भविष्य खराब तो कर ही रहे हैं, साथ ही में अपने लिए बहुत सारी समस्याओं को भी आमंत्रित कर बैठते हैं। अब आप खुद ही देखिए, कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर भी लिया है। युवक बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, साथ ही में पार्ट टाइम कैटरिंग का काम भी करता है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि अन्य पार्टी की राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित होकर उसने सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री को ये धमकी दी थी। 3 मई को मंत्री के बेटे देवेंद्र खराड़ी ने कोटड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया था। रविवार को पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से युवक को गिरफ्तार कर लिया। कोटड़ा SHO अशोक कुमार सिंह बताते हैं कि साइबर एक्सपर्ट की मदद से आरोपी जितेंद्र कुमार आहारी पुत्र हाजाराम आहारी निवासी बजारिया थाना खेरवाड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने इंस्टाग्राम ID से मंत्री खराड़ी को धमकी भरी पोस्ट डाली थी। आरोपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न प्रचार प्रसार और राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर ये धमकी भरी पोस्ट की थी। आरोपी किसी अन्य राजनीतिक विचारधारा से ताल्लुक रखता है। जितेंद्र खेरवाड़ा सरकारी कॉलेज BSc फर्स्ट ईयर का छात्र है, साथ ही कैटरिंग का काम करता है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल जब्त कर उसके खिलाफ IPC की धारा 384 और 506 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि आरोपी जितेंद्र ने ये धमकी भरी पोस्ट इंस्टाग्राम पर आदिवासी राजा 007 नाम की ID से डाली थी। पुलिस को उसके मोबाइल पर ये इंस्टाग्राम ID मिली है। पोस्ट में उसने लिखा था कि राजनीति एक तरफ होती रहेगी, लेकिन तू बाबूलाल खराड़ी समय रहते सुधर जा, और नहीं सुधरा तो तू थोड़े ही दिन का मेहमान है। बिना फितरत किए मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जो तूने आदिवासियों के खिलाफ जहर बोया है, उसका नतीजा तेरे सामने होगा। आदिवासियों को जबरन हिंदू धर्म में घुसाने का काम कर रहा है, जितना हो सके उतना जल्दी उस मुद्दे से हट जा, नहीं तो भगवान राम का प्यारा हो जाएगा। आदिवासी हिंदू धर्म को नहीं मानता, आदिवासी प्रकृति पूजक है, उसकी संस्कृति हिंदू धर्म से अलग है। राजनीति करनी है धर्म के नाम पर मत कर। लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहला तेरा परिणाम आ जाएगा। अब आप देखिए, ये जो धमकी भरा जिसने पोस्ट डाला है वो BSc फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, साथ ही पार्ट टाइम कीटिंग का काम करता है। बावजूद इसके उसने इस तरह की एक धमकी भरी पोस्ट की है, किसी भी राजनीतिक विचारधारा से वो ताल्लुक रखता है, इससे कोई उसको इस बात का लाइसेंस नहीं मिल जाता कि वो किसी को जान से मारने की धमकी दे डाले। एक मंत्री को इस तरह की पोस्ट करके अब उसने कितनी समस्याओं को आमंत्रित किया है, ये आने वाला समय ही बताएगा। किस तरह से उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है, किस तरह से आने वाले समय में, जब वो, क्योंकि वो स्टूडेंट है, कई सारी सरकारी सेवाओं की वो तैयारी कर सकता था या जो भी वो काम करता, उसके अंदर उसको कितनी दिक्कत आ सकती है, ये सारी बातें युवाओं को समझनी होगी। उनके भविष्य के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और नैतिकता के लिहाज से भी ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है।